अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 है हमारा। इसमें हमने देखना है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिस्कस किया था, डिटेल से स्टडी किया था फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस को। इसमें हमने देखना है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरह से एस्टेब्लिश्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन से कंप्लीट होने से पहले ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है। हम इसको ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ में देखें तो ये रिएक्शन रेट, ठीक है, और यह क्या है, टाइम है। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टार्ट में क्या होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है, और जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो निग्लिजिबल होगा। यहाँ पे स्टार्ट में क्या होगा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो तेज़ी से मूव करेंगे, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं वो जल्दी से रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, और जो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट्स आराम आराम से बनेंगे। बट रिवर्स रिएक्शन जो होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसका रेट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स होते हैं उनका रेट्स कम होना शुरू हो जाता है, और जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो स्पीड अप होता है, यानी रिएक्टेंट्स यूज़ होते जाते हैं और प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं। हम इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन वाली को, जिसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं और ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आयोडाइड मालिक्यूल्स के हाइड्रोजन आयोडाइड के जो मालिक्यूल्स हैं वो डिकम्पोज होते हैं, तो सबसे पहले हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन था, ठीक है। इसमें हमने फिर देखा था कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये डिकम्पोज होता है, यानी इसकी ब्रेक डाउन होती है हाइड्रोजन और आयोडीन में, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन था। अगर हम स्टार्ट में देखें जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, इनका जो रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, फास्ट है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जैसे जैसे रिएक्शन मूव करता जाएगा, रिएक्शन चलेगा, तो रिएक्टेंट्स जो होंगे वो जल्दी से यूज़ होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होती जाएगी और प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्या होगी, वो ज़्यादा होती जाएगी, यानी क्या होगा कि रेट कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसमें क्या होंगे कि इक्विलिब्रियम इसमें एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा और दोनों रिएक्शंस जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, कांस्टेंट बन जाएंगे, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जितने रिएक्टेंट्स यूज हुए थे उतने ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। उस वक्त इसका क्या होगा, रेट जो होंगे दोनों के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन होते क्या हैं। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं और वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो रिवर्स रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स के अंदर वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। ये क्या होता है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होता है, और ये जो रिवर्स रिएक्शन होता है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट होता है। जब स्टार्ट होता है रिएक्शन, जब इसी स्टेज पे होता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है वो निग्लिजिबल हो जाता है। ये क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन होता है, स्लोज डाउन ग्रेजुअली, आहिस्ता से क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है इसका रेट। लेकिन ये जो रिवर्स रिएक्शन है इसका रेट जो होता है वो स्पीड अप होना शुरू हो जाता है। ये दोनों आप फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है ये करने हैं। इसके बाद हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश्ड होगा, कब अचीवेबल होगा, जब रिएक्शन किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर होगा, ठीक है। उस वक्त जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा, ठीक है, जिसमें से ना तो कोई सब्सटेंस, क्लोज का मतलब क्या, कि जिसमें से ना कोई सब्सटेंस जो है वो बाहर आएगा ना ही कोई उसके अंदर एंटर होगा। इसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस का रेट एक दूसरे के इक्वल होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। उसके बाद क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर है, डेंसिटी वगैरह है, वो क्या रहती है, सेम रहती है। इक्विलिब्रियम स्टेट कब अचीवेबल हो, दोनों साइड से, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो किसी भी साइड से अटेनेबल हो सकती है, बेशक हम इसको जो है वो रिएक्टेंट से करें या फिर
प्रोडक्ट्स की साइड से जिसको हम स्टार्ट करें। इसके बाद क्या है कि विलियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एट अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर। कह रहे हैं कि विलियम स्टेट जो है इसको हम जो है वो इसको कर सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं या फिर अचीव कर सकते हैं जब हम जो इसको हमने गिवन कंडीशंस दी हैं जैसे कंसंट्रेशन जितनी हमने रखी है, प्रेशर या फिर टेम्परेचर। ये हमारे पास क्या थी, माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम।